कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आज मैं आया हूँ मथुरा, जो कि श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि है तो जन्मभूमि जाते बनता है भाई, मथुरा आए हैं तो जन्मभूमि जाते बनता ही है। तो मैं इस टाइम आया हूँ कृष्ण भगवान के जन्मभूमि, और आपको बताऊंगा यहाँ कब कब कैसे कैसे क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, और कहाँ पे आपको सामान जमा करना है, कहाँ ठहरना है, कैसे रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ मोबाइल ले जाना सख्त मना है, तो मोबाइल तो बिल्कुल मत लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, मोबाइल मत लेके जाइएगा। और यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, पीछे विश्रामालय भी है, आप चाहो तो रुक सकते हो। और यहाँ जो है ना वो लेटरिन बाथरूम और नहाने धोने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलते हैं अंदर, अगर मोबाइल अंदर ले जाने देंगे तो लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे, नहीं तो मैं यहीं जमा कर दूंगा। दोस्तों मंदिर का मेन द्वार है, यहीं से एंट्री होती है, यहाँ चेकिंग भी होती है, तो चलते हैं हम लोग अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लॉक रूम में अपने बैग वगैरह सब जमा कर देते हैं, मोबाइल वगैरह, और फिर अंदर चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल लाना अलाउ नहीं है, और अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। जैसे एंट्री आप करेंगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ले जाने दिया जा सकता है। लेकिन आपको कुछ चित्र अंदर के मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और कुछ ऐसी कहानियाँ बताऊंगा, हालांकि आप लोगों में से जो भी जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं जानता हूँ, नहीं तो जिन्होंने नहीं पता है मैं उनको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों आपको मैं जन्मभूमि के अंदर लेके चलता हूँ। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और दुष्टों ने सत्य और न्याय की धज्जियाँ उड़ा दी थी, तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी इस धरा पर धर्म की स्थापना और साधु पुरुषों के उद्धार के लिए 5000 वर्ष पूर्ण द्वापर युग के अंत में मथुरा नगर के एक कारागार में प्रकट हुए थे। मथुरा उस समय कंस की नगरी हुआ करती थी। आज भगवान के जन्म स्थान पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तथा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस कारागार के स्थान पर ही एक गर्भगृह में एक चबूतरा है, यहीं पर माथा टेक कर आज भगवान श्री कृष्ण को नमन किया जाता है। इसी रास्ते से गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण के बाल चित्रपट के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। भक्तों जब कंस अपने बहन देवकी और वसुदेव को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि उनकी 8वीं संतान कंस का काल होगी। फिर क्या, कंस ने देवकी और उसके पति को कारागार में डाल दिया ताकि वो उनकी 8वीं संतान को पैदा होते ही मार सके। भक्तों कंस एक एक करके देवकी की संतान को मारता गया, और फिर समय आया भगवान श्री हरि केसरी कृष्ण अवतार का। भद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में ही देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति की, फिर भगवान ने देवकी और वसुदेव को कहा कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र रूप में धरा पर रहूंगा। तुमने पूर्व काल में बहुत समय तक घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त किया है, पर अभी मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ाओ, और उनकी कन्या जो अभी जन्मी है उसे यहाँ ले आओ। और देखते ही देखते भगवान शिशु रूप में हो गए। तब वसुदेव जी शिशु रूप भगवान को यहाँ से लेकर गए, और उन्हें गोकुल में नंद यशोदा जी के यहाँ छोड़कर उनकी कन्या जो भगवान शक्ति महामाया थी उन्हें लेकर मथुरा कारागार में वापस आ गए। भक्तों आज यहाँ जन्म स्थान पर गर्भगृह के पास ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जिसमें बड़े ही विशाल राधा कृष्ण विग्रह हैं। भक्तों शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा और गोकुल के मध्य स्थित इस यमुना नदी को पार करके
गोकुल में नंद भवन लेकर गए थे। ये यमुना नदी आज भी उस रात की पुरानी घटना का साक्षात प्रमाण है। भक्तों, हमने दर्शन कराए श्री कृष्ण के जन्म स्थान के, परंतु इसी के साथ साथ आगे चलकर इस जन्मभूमि में कुछ ऐसा घटनाएं हुईं जो सुनकर सभी भक्तों का हृदय कष्ट से भर जाएगा। इस मंदिर का कार्य तीसरी बार भव्य निर्माण के बाद 16वीं शताब्दी की शुरुआत सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया, जिसके लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके ऊपर ईदगाह का निर्माण करवा दिया। इसके बाद ईदगाह को कोई हिंदू राजा नहीं हटा सका। हालांकि उद्योगपति जगल किशोर बिरला द्वारा यहां मंदिर का गर्भगृह का पुनर्द्वार और निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ था। अब यहाँ मंदिर और ईदगाह दोनों मौजूद हैं। तो मंदिर ग्रंथों के अनुसार मथुरा में इस जगह पर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। वो कंस के शासनकाल में बालापूर्ण क्षेत्र के कटरा कृष्ण देव के कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ था। भक्तों, ये तो रही कृष्ण भगवान के जन्मभूमि से रिलेटेड कुछ घटनाएं, और हम लोग यहाँ मंदिर से निकल चुके हैं और सीधे क्लॉक रूम की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे तैसे हम लोगों ने क्लॉक रूम से बैग तो ले लिया, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और अंदर तो काफी मजा आया। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जो काफी अच्छी लगी, जैसे वहाँ गुफा का भी आपको मैं बता दूँ कि टिकट भी है वहाँ, 10 रुपए टिकट है, लेकिन 10 साल के बच्चों का नीचे जो है उनका टिकट नहीं है, तो आप वो देख सकते हो। और मंदिर भी काफी अच्छे अच्छे मुझे लगे, अंदर इतना भक्ति भाव लगा मुझे, कुछ कहने का नहीं। और जन्मभूमि अंदर मैंने देखी, काफी अच्छी लगी। आप यहाँ आइएगा और काफी आपको आनंद मिलेगा, काफी भक्ति भाव लगेगा। लेकिन हाँ, यही है कि यहाँ मोबाइल नहीं ले जाने देते, अलाउ नहीं है। और अलाउ भी क्यों हो यार, पता है ना कि अगर अलाउ कर दिया जाएगा ना तो लोग वही फोटो खींचते रहेंगे। और पीछे आप दिखा सकते हैं, पीछे मंदिर हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं अंदर, क्योंकि मोबाइल तो ले जाने दिया नहीं जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब मैं प्रेम मंदिर की तरफ चल रहा हूं और वो आपके जो है एपिसोड नंबर 2 में मिलेगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं और उसी में आपको मिल जाएगा। तो वहां जाइए और फटाफट देख लीजिए। मैं यहां से निकल रहा हूं और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।